सत श्री अकाल, आप सब दा एक बार फिर यूट्यूब दे गुर अमीन टीवी चैनल ते स्वागत है जी। सो गल करदे आं देश दी पहली खबर नाल। देश भर विच पिछले 24 घंटिआं विच 4000 तों वध नवें केस सामने आए ने, जिस दा इह अंकड़ा 67000 तों पार हो चुक्या है जी। दूजी खबर तुहाडे सामने आ रही है, चीन विच करोना दी वापसी कारण 17 नवें केसां दी पुष्टि होई है। सो चीन सरकार वल्लों उस शहर नूं कर दित्ता गया लॉकडाउन। तीजी खबर तुहाडे सामने आ रही है, अमृतसर विच बीते दिन ही कोरोना के 9 नवे केस सामने आए ने। सो 9 नवे केसों की पुष्टि अमृतसर विच हो चुकी है। अगली खबर तुहाडे सामने आ रही है, पंजाब के जलंधर विच कोरोना नाल एक होर मौत हो चुकी है। पंजाब दे विच एक मौत की कुल गिणती 32 तक पहुँच चुकी है जी। सो अगली खबर तुहाडे सामने आ रही है, अमृतसर विच सेहत विभाग वालों वड्डी लापरवाही सामने आ रही है, जिस विच पहला एक मरीज न कोरोना नैगेटिव कह के घर भेज दिता गया, बाद विच उसनों पॉजिटिव कह के घरों दोबारा बुलाया गया। सो सेहत विभाग की वड्डी लापरवाही सामने आ रही है। सो अगली खबर तुहाडे सामने आ रही है जी, पटियाला जिले विच एक होर कोरोना केस की पुष्टि हो चुकी है। सो अज पटियाला विच एक होर केस नवा सामने आया जी। सो अगली खबर तुहाडे सामने आ रही है, भारतीय रेल वालों अज 12 मई तो ट्रेन की सेवा शुरू की जा रही है। सो अज 12 मई में ट्रेन की सेवा शुरू होगी। चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला सामने आ रहा जी, 18 मई तो पब्लिक डीलिंग शुरू की जा रही है। सो 18 मई में पब्लिक डीलिंग शुरू की जाएगी। अगली खबर तुहाडे सामने आ जी, ट्रेन की टिकट नूं करफ्यू पास समझा जाएगा ताकि स्टेशन तो घर जाते व्यक्तियों को रुकावट ना हो सके। सो अखीरली खबर तुहाडे सामने आ रही है, जलंधर विच एक होर मरीज ने कोरोना खिलाफ जंग जित ली है। सो एक होर मरीज जलंधर विच ठीक होकर अपने घर पर चुके हैं। सो राह की गल समझी आ रही है जी। धन्यवाद।